अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? मैं हूँ आपका दोस्त मुगैस। अच्छा, तो एक भाई का जो है सवाल था कि जो है गिनीफॉल के बच्चे निकलते हैं तो फिर मर जाते हैं, तो उनको क्या दूँ या क्या चीज़ करनी चाहिए, तो क्या सीन है? तो अच्छा, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि गिनीफॉल के जो बच्चे होते हैं वो इनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। अगर ये गर्मियों में पैदा होंगे तो भी आपने इनको जो है ठंडी हवा वगैरह या सर्दी से बचा के रखना है। इनको रात को जब बंद करें तो अंदर बंद करें, बाहर जो है वो ना करें, ये एक साइड पे वो हो। अगर आप किसी गिनीफॉल से ख़ुद बच्चे निकलवाते हैं तब तो तब भी ये मसला होता है, तब ज़्यादा होता है। अगर जो है आप मुर्गी से निकलवाते हैं तो थोड़ी जो है बचत हो जाती है, क्योंकि मुर्गी का ये होता है कि वो जो है बच्चों को जब भी कोई ठंड होगी या कुछ होगा तो बच्चों को नीचे बिठा लेती है, तो बच्चे गर्म रहते हैं और बेस्ट रहते हैं। तो ये जो है और आप जो है इसमें बच्चों को खिलाना क्या, बच्चों को फीड में क्या देना है, तो आप इनको जो है पहला जो वीक होगा, पहले वीक में आपने इनको अंडा उबाल के और मैश करके देना है। उसके बाद जो है पहले वीक में आपने लगातार डेली बेसिस पे देना है, मतलब 7 दिन जो होंगे उस पर लगातार देना है। फिर दूसरा वीक जो होगा उसमें मतलब एक दिन दें, एक दिन ना दें, एक दिन दें, एक दिन ना दें, तो इस तरह आपने करना है। तीसरे वीक में मतलब फिर 2 दिन का गैप करें। तो इस तरह जो है आपने जो पहले 2-3 हफ्ते होंगे उनमें जो है आपने इनको लाजमी जो है एग बॉयल करके देना है, अंडा उबाल के देना है, तो ये बेहतर रहेंगे। नहीं तो जो है ये सर्दी की वजह से फिर मरते जाएंगे और सेहतमंद भी नहीं होंगे कैसे। तो अच्छा, ये 4 बच्चे हैं 5 बच्चे निकले थे पहले, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। एक बच्चा तो मुर्गी की वजह से अपनी वजह से मर गया कि उसके पाँव के नीचे आया क्या हुआ, तो वो मर गया। किसी कोई और यहाँ से गिनीफॉल का बच्चा आ रहा था उसको बड़े वालों में से, तो उसको मारने के लिए भागी है, तो उसके पाँव के नीचे आया, ज़ोर से लगा है क्या हुआ, तो वो बेचारा बस बुरी हालत हो गई थी उसकी और उसके बाद फिर वो मर गया अगले दिन। अच्छा, तो एक तो ये चीज़, और दूसरा जो है आपने जो है इनको क्या देना है, एक तो अंडा आपने उसका करके देना है, दूसरा जो है आपने इनको बॉयल राइस देने हैं, उबले हुए चावल। तो उबले हुए चावल अगर आप उबाल के देंगे तो उसका तासीर भी जो है गर्म होती है, तो उससे भी बच्चे जो है वो सेहतमंद रहेंगे और गर्म रहेंगे, उनको ठंड नहीं लगेगी। ठीक हो गया। और चावलों का ये होता है कि ये जो है इसको खिलाने से जो है ये हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, क्योंकि इससे मतलब सेहत बनती है उनकी, वो चीज़ होती है। तो ये चीज़ आप दे सकते हैं, और उसके बाद जो है आप 14 नंबर फीड दे सकते हैं इनको। 14 नंबर फीड में जो है 14 नंबर होती है, 9 नंबर होती है, 4 नंबर, 0 नंबर, तो ये सारे नंबरों में से आप दे सकते हैं कोई भी 14 नंबर। यहाँ पे मेरे दिल स्पेशली 14 नंबर मिलती है, वो ले सकते हैं। वो थोड़ी मोटी होती है, छोटे बच्चे जो है आसानी से नहीं खा सकते, तो उसको जो है आप थोड़ा मतलब थोड़ा पीस लें, वो थोड़ा बारीक कर लें, तो वो जो है फिर इनको डालें तो फिर ये खा लेंगे। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आप शुरू से ही इनको आदत डालेंगे तो फिर इनका आदत डालेगी, अगर बाद में आप देंगे तो फिर ये खाएँगे नहीं शौक़ से। तो जो चीज़ शुरू से उनको आदत डाली जाए तो वो आसानी से खा लेते हैं और वो बेहतर होता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है पानी में आप इनको जो है कैल्शियम वगैरह का सीरप डाल सकते हैं, मल्टीविटामिन जो होता है रैगनम हो गया, या फिर जो है वाइडलिन एम हो गया, तो वो दे सकते हैं। एक दिन दे दें, 2 दिन ना दें, फिर एक दिन दे दें, इस तरह का गैप करके या हफ्ते में 2 दफ़ा दे दें, इस तरह का रूटीन बना के रखें, तो फिर बच्चे मरेंगे नहीं, बच्चे सेहतमंद रहेंगे और अच्छे से बड़े होंगे। तो बस यही एक चीज़ होती है जिसकी वजह से ये मर जाते हैं और मतलब बड़े नहीं हो पाते और कमज़ोर होते हैं, और इस तरह से तो इनके बच्चों को पालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी नहीं आप जो है कर सकते हैं। तो मेरे पास जो पहले बच्चे थे वो माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, तो वो भी फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और ये वालों को मैं क्या डालने लगा हूँ अभी, ये देखें उबले हुए चावल लेकर आए हूँ, ये देखें ये उबले हुए चावल हैं, और साथ में चोकर है। चोकर जो है ये मुर्गी खाती है, बच्चे भी खाते हैं, लेकिन कुछ खास शौक से नहीं जब उनके सामने चावल हों, तो ये भी डालते हैं और ये भी डालते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें तो ये बच्चे हैं अभी, और तो ये बच्चे हैं, और उसके बाद जो है ये इसको डालते हैं, इसमें डाल के दे देता हूँ, तो आप देखना कि ये कैसे खाएंगे। ये चावल बहुत शौक से खाते हैं, तो चावल आप इनको खिलाएंगे तो बेहतर रहेगा। ये जो है सही शौक से भी खाते हैं वो चीज़, और बड़े भी अच्छे से होते हैं। ये अभी इस इंतज़ार में होते हैं कि मैं इनको चावल ला के डालूँ, ये चावल खाएं।
खाना है ना, थोड़ा सा ही बस गिराना ज़्यादा है। इधर से ये देखें, इसे ये भी आ गया है, पीछे इनकी माँ भी खड़ी है जिसने अंडे दिए हैं। तो ये चीज़ थी, ये जो है आप गिनीफॉल को जो है चावल उबले हुए डाल सकते हैं, अंडा डाल सकते हैं और फीड वगैरह डाल सकते हैं, तो ये बेहतर रहेंगे और इनकी सेहत अच्छी होगी और बच्चे मर नहीं जाएंगे। नहीं तो और इनकी सर्दी का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि इनको सर्दी ज़्यादा लग जाती है, सर्दी से बचा के रखना है। तो अगर आप बचा के रखेंगे, सही मैनेज करके रखेंगे, तो फिर ये बड़े होंगे, नहीं तो अदरवाइज़ जो है ये मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इनके। ठीक हो गया। दूसरा जो है ये चोकर मैं लेकर आया था, ये तो इतना शौक़ से वो नहीं खाते, लेकिन जो है मुर्गी खाती है, तो धन जो है वो खा लेगी, बात है। ये ज़्यादा शौक से चावल ही खाते हैं, पर अभी चावल हैं तो इस वजह से कोई भी ये नहीं खाएगा, फिर बाद में खा लेंगे। ठीक हो गया। तो ये चीज़ थी और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि छोटे बच्चों को क्या देना है और कैसे देना है। ठीक हो गया। और ये हो गया, देन मैं आपको बड़े बच्चे दिखाता हूँ जो पहले थे, फिर वीडियो को एंड करते हैं। इधर आ जाएं, ये बड़ी वो है फीमेल, एंड ये रहे वो बच्चे जो कि छोटे थे कभी, अभी ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं। उनमें से भी दो सेम वो वाले आगे हैं, वो देखें वो जो है ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, हालांकि इनके साथ ही पैदा हुए हैं, लेकिन जो है वो थोड़े उड़ सकते थे और माँ बाप के साथ बाहर घूमने चले जाते हैं, तो उस वजह से सेहत अच्छी होगी। तो जब ये घास में घूमते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो ज़्यादा सेहत इनकी अच्छी होती है, और वो चीज़ रहता है मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखें, ये बच्चे थे घर के, अब ये देखें ये कितने बड़े हो चुके हैं, ये वाले सारे। तो इनको भी मैंने चोकर वगैरह डाला है अभी, तो ये देखें इनका साइज़ देखें। कुछ बच्चे छोटे हैं जो अगले क्लच में जो है मैंने गिनीफॉल से खुद निकलवाए थे, और ये जो पहले वाले कुछ बच्चे ये जो है जो बतख ने निकाले थे, ये वो बच्चे हैं। कुछ इनमें से भी मरे हैं, कुछ जो है बड़े हुए हैं। अब ऐसा नहीं होता कि हर बार सारे ही बड़े हो जाएं और वो हो जाए, जिसने मरना है वो मरेगा, जिसने ज़िंदा रहना है वो ज़िंदा रहेगा। तो ये चीज़ ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।